नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टिसिलियम लेकानी के बारे में, जो फसलों में लगने वाले माहू, थ्रिप्स, मिलीबग, जयसिड, सफेद मक्खी जैसे विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों को बहुत ही असरकारक तरीके से नियंत्रित करने वाला एक फफूंद पर आधारित जैविक कीटनाशक है। तो हम जानेंगे कि यह वर्टिसिलियम लेकानी क्या है, कीटों के ऊपर कैसे वार करता है और किस प्रकार से इसे प्रयोग में लेना होता है। तो इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वर्टिसिलियम लेकानी यह एक फंगस पर आधारित जैविक कीटनाशक है। यह सफेद रुई जैसी दिखने वाली एक फंगस है। वर्टिसिलियम लेकानी फफूंद के बीजाणु कुछ चिपचिपे से टाइप के होते हैं, जिससे यह कीटों की बॉडी के ऊपर आसानी से चिपक जाते हैं और उचित नमी और टेम्परेचर यानी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 85 से 90% नमी वाली स्थिति में इसके बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते कीटों के शरीर के छिद्रों से अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। यह कीटों के पूरे शरीर में एक कवक जाल सा बना देती है और कीटों के अंदरूनी हिस्सों को खा जाती है और साथ साथ कुछ टाइप के एंजाइम भी स्रावित करती है, जो इन कीटों के लिए जहर का काम करता है। धीरे धीरे यह कवक कीटों के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है और तकरीबन 72 घंटों के भीतर कीट को मार देती है। इससे असरग्रस्त कीटों के किनारों पर सफेद रुईदार फफूंदी की वृद्धि भी देखने को मिल जाती है। इस वर्टिसिलियम लेकानी का उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों में लगने वाले माहू, माइट्स, सल्क, मिलीबग, जयसिड, थ्रिप्स, सफेद मक्खी जैसे लगभग सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि वर्टिसिलियम लेकानी का प्रयोग कैसे और कितनी मात्रा में करना है। तो विभिन्न प्रकार की फसलों में रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए वर्टिसिलियम लेकानी की 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर फसलों के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए, या फिर वर्टिसिलियम लेकानी की 2 से 5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए जरूरियत के हिसाब से पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आपकी फसल कितनी घनी और फैली हुई है, उस हिसाब से इसकी मात्रा तय कीजिए और मिट्टी में मौजूद मिलीबग, थ्रिप्स या उसके प्यूपा को नष्ट करने के लिए इसका स्प्रे मिट्टी की ऊपरी सतह पर कर दें और बाद में सिंचाई कर दें। अगर ड्रिप इरिगेशन अवेलेबल हो तो उसके जरिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर किसी फसल में रस चूसक कीटों का अटैक बार बार रहता हो तो वर्टिसिलियम लेकानी का प्रयोग 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। वर्टिसिलियम लेकानी को अन्य जैविक कीटनाशक, फफूंदनाशक और नीम तेल के साथ मिलाकर प्रयोग में ले सकते हैं। इसके प्रयोग में खास ध्यान रखिए कि इसका स्प्रे शाम के समय यानी ठंडे टाइम में ही करें। और एक खास बात कि इसको किसी भी रासायनिक फंगिसाइड के साथ मिलाकर प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह भी एक फंगस है, इसलिए रासायनिक फंगिसाइड के प्रयोग से यह भी मर जाती है। इसलिए वर्टिसिलियम लेकानी के प्रयोग के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में रासायनिक फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह वर्टिसिलियम लेकानी पाउडर और लिक्विड दोनों फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है और इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। तो यही थी संपूर्ण जानकारी इस वर्टिसिलियम लेकानी जैविक कीटनाशक के बारे में। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय किसान, जय हिंद।